और हमें गलत गलत चीजों का डर दिखाकर हमारे मन में भय पैदा किए हुए हैं। हमने तुम्हें जो लूट लिया है, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, आज सत्येंद्र जैन चोर लुटेरा है, मौज लूट रहा है, मसाज करा रहा है रेपिस्टों से। जैसे राम ने शंबुक ऋषि को मारा, ऐसे ही मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले दिल्ली के गुरुओं पर हथियार चलाया था। देखिए, उनको इतना डर है संविधान का कि उन्होंने अपने कार्यकर्ता लगा रखे हैं, क्योंकि पता है जिस दिन संविधान घर में पहुंच गया, इन्हें दुम दबा के भागना पड़ेगा। आज यहाँ जंतर मंतर पर तमाम लोग एकजुट हुए हैं और मैं हूँ आपके साथ पूजा। यहाँ पर तमाम लोगों जो है यहाँ पर संविधान दिवस मना रहे हैं। सब बाबा साहब का जो संविधान दिवस है वो चर्चा में है और बहुजन समाज और एकत्रित हुए हैं पूरे समाज। तो आज यहाँ हमारे राजबाला जी हैं हमारे साथ। मैम, यहाँ पर आज जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है, सबसे पहले तो उसी क्या बताइए कि क्या कुछ इसमें मुद्दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने परिवार के साथ संविधान दिवस को मनाइएगा ताकि बच्चों को भी पता चले, और घर में पकवान बनाइएगा, क्योंकि यही एक ऐसा हथियार हमारे पास है, एक ऐसा ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ हमारे पास है, जो आज महिलाओं को पार्लियामेंट के पास जो है बोलने की, और आज राष्ट्रपति मुर्मू जी जो एक महिला हैं, महिला को सरपंच क्या, घर के मुखिया भी उसका जो है डिसीजन नहीं लेते थे, लेकिन आज जो है प्रथम नागरिक देश की वो जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वो किसकी वजह से? वो संविधान की वजह से है। वो किसकी वजह से पढ़ी हैं? वो सावित्री बाई फूले जी की वजह से पढ़ी हैं, ज्योतिबा फूले जी के संघर्ष की वजह से पढ़ी हैं। और साहू जी महाराज अगर आरक्षण ना देते तो हमें कोई भी सरपंच क्या, सरपंच भी बनाने को तैयार नहीं था। आज जो राष्ट्रपति बनाने को तैयार है वो संविधान की ताकत है हमारी। अभी आप आरक्षण की बात कर रही हैं, लेकिन तमाम लोग जो है, जो सवर्ण लोग हैं, वो कहते हैं आरक्षण इन्हें इसलिए चाहिए रहता है कि भैया ये उस काबिल ही नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात काबिल ना काबिल की तो मैं बता दूं, सुई से लेकर जहाज तक आप डाटा निकलवा लीजिएगा, SC ST OBC माइनॉरिटी यही बनाता है, ठीक है? तो इनको नहीं आता, इनको सब कुछ बनाना आता है, बस बेवकूफ बनाना नहीं आता। और जो मनुवादी लोग हैं उनको सिर्फ बेवकूफ बनाना आता है, बाकी कोई काम नहीं आता, ठीक है? तो हमें सब कुछ आता है, लेकिन ये लुटेरे हम पर बैठे हुए हैं और हमें गलत गलत चीज़ों का डर दिखाकर हमारे मन में भय पैदा किए हुए हैं। लेकिन संविधान एक ऐसा ग्रंथ हमारे पास आ गया है कि जिसको हम घर घर तक पहुंचाएंगे तो इसकी ताकत को सब समझेंगे, और हमारी 90% वोट है। जब 90% वोट से हमारी सरकार बनेगी तो हम मीडिया में वही दिखाएंगे जो हमारा असली होगा, हम नकली नहीं दिखाएंगे। और आरक्षण की जो बात कही आपने, सुनिए मेरी बात, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। भाई मनुवादियों, तुम 10% हो, तुम अपना 10% MP MLO सरपंची में MC में रख लो, ठीक है? जमीन जायदाद में तुम अपना 10% रख लो, बाकी हमारी तो हिस्सेदारी दो ना। हमने तुम्हें जो लूट लिया है, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जमीन हो, चाहे सरकारी संस्थान हो, सब पे तुमने लूट के कब्जा कर लिया है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, तुम हमारा अधिकार दो, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। हमें 90% है, हमें 90% हर चीज में हिस्सेदारी चाहिए। आरक्षण का नाम ना दो, हिस्सेदारी है या हिस्सेदारी? दो बेटे होते हैं किसी बाप के तो 50-50% मिलता है, हम 90% होकर भी हमें 10% तक नहीं दिया जाता, तो क्या यह भेदभाव नहीं है क्या? तो आरक्षण के नाम पर गुमराह मत करो लोगों को, ये नहीं करो कि हम भीख दे रहे हैं, भीख नहीं, तुमने चोरी नहीं। अब जो देखा आपने कितनी जो है ईडी के छापे पड़ रहे हैं, ईडी उस संपत्ति को जब्त कर रही है या नहीं कर रही है, तो हमारे भी हक अधिकार लूटे हैं, वो हमें वापस चाहिए, हमें हक अधिकार, हमें आरक्षण नहीं, हमें अपने हक अधिकार चाहिए। बिसलेरी का पानी मिल रहा है, ड्राई फ्रूट मिल रहा है, एक बेड है, सेपरेट कमरा है, लोग मिलने चिलने आ रहे हैं। देखिए, जाति का फर्क है, जाति है कि जाति नहीं। अगर राजकुमार सैनी जी जेल में हो,
एक्स एम पी सावित्री बाई फुले जी जेल में हो, अपने एसटी के इंडिपेंडेंट सरनिया जी जेल में हो, तो इन्हें पानी पीने को देंगे जेल का सड़ा हुआ? ठीक है, अब वो स्वर्णवादी लोग हैं तो उनके लिए स्वर्ण वाले जो अधिकार हैं उनके लिए संविधान अलग है। अरे मोदी जी, अरे केजरीवाल, तू कहता है कि संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो जैसे एक आम नागरिक को सजा मिलती है, तेरा मंत्री क्यों पी रहा है बिस्लरी का पानी, क्यों पी रहा है? अभी तक उसको मंत्री पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया, सस्पेंड क्यों नहीं किया तूने? राजेंद्र पाल के गौतम पे तो जो है ना तूने बड़ी जल्दी से इस प्रेशर बना के और खुद ही उससे कहा इस्तीफा मांग लिया कि मैं भी बुरा ना बनूं और तू अपने आप इस्तीफा दे, कितना प्रेशर उनके ऊपर था। आज सत्येंद्र जैन चोर लुटेरा है, मौज लूट रहा है, मसाज करा रहा है रेपिस्टों से, तो तुम हमें बचाओगे, महिलाओं का बचाओगे? अरे तुझे भी वहीं का पानी पीना पड़ेगा, वहीं की रोटी खानी पड़ेगी। अगर केजरीवाल नहीं दे रहा तो नकली है, दूर तक जनता का समझना चाहिए। 8 किलो बढ़ गया सच्चाई में, और मीडिया झूठी है, जो मनुवादियों की जो मीडिया है उसमें 8 किलो घट गया, तो ये तो झूठी खबरें फैलाते हैं। घटेगा तो बढ़ेगा, अपने लोगों का तो हमेशा घटा हुआ दिखाएंगे और हमारा घट रहा होगा तो कहेंगे देख मोटे सांड हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भैया क्लीन चिट मिल गई है सिसोदिया जी को, उनका जो ईडी में नाम आया था छापे आए थे कुछ भी नहीं मिला, क्लीन चिट मिल गई। अरे अगर इतनी क्लीन चिट मिल गई तो अभी तक क्यों पड़ा है वो जेल में है? और तू जो है सारी जगह कह रहे हैं सत्येंद्र जैन की फोटो लगा के सिसोदिया जी को क्लीन चिट मिल गई। मनीष सिसोदिया जी की तो बात ही क्या करो आप, उसने तो गुरुओं का अपमान किया है। शिक्षा मंत्री कभी टीचर रहा नहीं, शिक्षा मंत्री बना दिया और आते ही कहते हैं जी इस देश के सारे दिल्ली के गुरु बेकार हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं। जैसे राम ने शंभुक ऋषि को मारा, ऐसे ही मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले दिल्ली के गुरुओं पर हथियार चलाया था। झूठा पाखंडी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, ठीक है, इसकी औकात क्या थी? यूं ही तो लेके घूमता था ये यूट्यूब चैनल। आज जो है वही वाली बात है, जाति है जाति नहीं है, स्वर्णवादी है, इसीलिए जो है एजुकेशन मॉडल का तो डंका बज रहा है विदेशों में। मैंने अभी पिछली बार जंतर मंतर पे कहा था सोनिया विहार में चले जाओ, 60 कमरों में प्रिंसिपल भी बैठ रहा है, क्लर्क भी बैठ रहा है और 12,000 बच्चे भी बैठ रहे हैं। 9वीं क्लास की लड़कियां यमुना विहार के स्कूल में जाती है पढ़ने के लिए, जगह नहीं है बैठने के लिए, और आधे बच्चे आते आधे नहीं जाते, ढाई ढाई घंटे के साथ 6ठी 7वीं 8वीं की क्लास से लग रही है। आपने मॉडल दिखाना तो जाओ ना सोनिया विहार में, दिखा दो मॉडल। देखिए उनको इतना डर है संविधान का कि उन्होंने अपने कार्यकर्ता लगा रखे हैं, फ्री में गीता बांटो रामायण बांटो, लेकिन पैसे में भी संविधान नहीं बंटवा सकते वो। अगर वो संविधान बंटवाए तो मैं 100 क्या 1,000 रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन वो पैसे में भी संविधान नहीं बंटवाएंगे, क्योंकि पता है जिस दिन संविधान घर में पहुंच गया इन्हें दुम दबा के भागना पड़ेगा। अंबानी अडानी ने तो आपको पता ही है बाहर के लिए बना ही लिए हैं अपने, पता नहीं कब जो है जनता जाग जाए और हमारे पीछे पड़ जाए और हमें भागना पड़ जाए। ऐसे ही मोहन भागवत का भी हाल है, ठीक है, तो ऐसा है इनके। देखिए ये डराए हमें डराते हैं, बदलने वाले हैं बदलने वाले हैं, 75 साल हो गए, बदल दो ना हिम्मत है तो बदल दो ना। ये क्या करते हैं धीरे धीरे डराते हैं, सांप को सुनिए, सांप बैठा हुआ है उसको धीरे धीरे करते हैं, वो शांत रहता है, अभी हम शांत हैं, लेकिन जब उसको जब सोचते हैं ना ये तो कुछ नहीं कहेगा, फिर उसको जो है ना टॉर्चर करेंगे ज्यादा, फिर वो एकदम से डस लेगा और बंदा मर जाएगा। तो हम भी अभी देख रहे हैं, कर लो संशोधन संविधान की कॉपी चला गई थी मैडम यहाँ पे, आज जला के दिखाए ना, आज जला के दिखाए, आज हमारे पास देखिए, पहले हमारे चैनल नहीं थे, आज हमारे सोशल मीडिया, हमारे लोगों के पास सोशल मीडिया का हथियार मिल गया है। आज जो है राजस्थान में हो चाहे दिल्ली में हो चाहे यूपी में हो, कहीं भी बच्ची के साथ छोटी सी भी दुर्घटना होती है या हमारे किसी आदमी के साथ छोटी भी दुर्घटना होती है पूरे भारत में फैल जाती है। पहले हमारे पास ये हथियार नहीं था, पहले 2015 से पहले मुझे संविधान ही नहीं पता था क्या होता था, मुझे सावित्री बाई फुले ज्योतिबा फुले पता ही नहीं था क्या होता था अम्बेडकर, लेकिन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला अच्छा कि ये सरस्वती जो हम स्कूलों में लगाए फिर रहे हैं इसने तो किसी महिला को पढ़ाया ही नहीं। सावित्री बाई फुले ने अपनी जिंदगी में जो है 18
सारा स्कूल खोल दिए, तो हमने एक मिनट में सच्चाई हमें पता चली। हम बताओ पूजा की होगी ऐसा है, ये मेरा अच्छी किस्मत बताइए कि मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ और मुझे हमेशा ही टेक्नोलॉजी, ना मैं कभी कीर्तन में गई, ना मैंने व्रत रखा, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, ठीक है, हर हालातों में मैंने पढ़ाई करी है और मैं शिक्षक भी रही हूँ और शिक्षा को बचाने का भी प्रयत्न किया। मुझे लगा कि ये लोग क्यों नहीं शिक्षा को बढ़ने दे रहे, नकली डिग्री क्यों स्कूलों में देने को, 10वीं में 12वीं में हमें मजबूर किया जाता है कि 33 नंबर का करा के आओ, मतलब बच्चे को कुछ नहीं आना चाहिए। आज भी स्कूलों में बच्चों के पास डिग्री है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग कि हमें असली ज्ञान, कौन दूध बिल्ली को दूध की राखी के लिए बिठा दिया है, क्या बिल्ली दूध की राखी कर सकती है? राजबाला जी, आप तो इतनी जागरूक महिला हैं, आप आज यहाँ पर बोल रही हैं इतनी जागरूक महिला हैं, लेकिन तमाम महिला जो बहुजन समाज से आती हैं वो आज भी व्रत की बेड़ियों में बंधी हैं। कोई बात नहीं, एक सावित्री बा फुले थी, कौन सा सारी महिलाएं निकली थी, उनपे गोबर था, कीचड़ था, चित्रहीनता के जो है ना उनपे इल्जाम लगे थे, उन्हें अपना ससुराल छोड़ना पड़ा था, लेकिन फिर भी शेख फातिमा मियां जी के साथ वो जो है अपने मिशन पे निकली और उन्होंने 18 स्कूल खोले। रोक लेते ना मधुमनवादी, रोक लेते ना गुलामगिरी छपने से, रोक लेना किसान का कोड़ा छपने से, उस टाइम में नहीं रोक सके तो आज हमें क्या रोक पाएंगे? आज तो कितनी सावित्री बाई फुले जो है ना खड़ी हो गई है, तो ऐसा है इनको रुई से उफान को रोका नहीं। आप जो है ना मोदी जी आएंगे, कालाधन ले आएंगे, नोटबंदी करेंगे तो हमारे पास जो है कालाधन वापस आ जाएगा, ये तो इन्होंने नए नए जुमले जो है रोजगारी से, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, हमारे संविधान से ध्यान हटाने के लिए, महिलाओं का जो दैहिक शोषण हो रहा है, आपको नहीं पता कि कितने क्लबों में हमारा शोषण हो रहा है और जो है ना कितने कोठे खोले जा रहे हैं, शराब के ठेके जो हैं स्कूलों के सामने खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के सामने क्लब खोले जा रहे हैं, इन चीज़ों पर हमारा ध्यान ना बटे तो एक एक जो है कभी नोटबंदी, कभी जो है ना कोई बंदी, ऐसी बंदी जो है मोदी नहीं नहीं नाम ब्रांडेड नाम लेके आता, क्योंकि ब्रांड से ही सब कुछ बिकता है। देखिए ऐसा है, जब बच्चा पैदा होता है तो सब लोग सुंदर सुंदर बच्चों की फोटो लगाते हैं, है ना, तो मैं तो ये अपील कर रही हूँ केजरीवाल जी से कि आप जो है सूंड वाले हाथी की, गणेश जी की जो है ना फोटो लगाओ जब आपकी बेटी का शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए ना, और मैं तो कहती हूँ सूंड वाला के साथ ही शादी करो अपनी बेटी की, और अपनी बहू लाना चार हाथों वाली, ठीक है, दुर्गा लेके आना चार हाथों वाली, पांच सर वाली, आप ये लेके दिखाओ, देखो मैं उसी दिन से लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा और जो है ना गणेश को पूजना शुरू कर दूँ। मैं सच्ची कह जो हमें हमारे नेता सिखाएगा मैं उसी का तो पालन कर रही हूँ, मैं उसकी भावना का आदमी, उसके आदर्शों का पालन कर रही हूँ, मैं झूठी थोड़ी ना हूँ कि भीमराव अंबेडकर की फोटो लगा लूँ और उसके विचारों को मानू नहीं, मैं झूठी नहीं हूँ। मैं केजरीवाल की फोटो लगाऊंगी तब लगाऊंगी जब वो अपनी बहू दुर्गा की तरह चार हाथों वाली लेके आएंगे और शेर पे बैठी हुई होनी चाहिए। जब तक इनका मनुवादियों का राज रहेगा तब तक ही होएगी, जब ये 90% वोट सुधर गया उसके बाद तो ये कहेंगे जी ना जी सरस्वती तो आपकी नौकरानी थी, ज्ञान की देवी है, तो ये बता दे कि कौन सी शिक्षा बच्चे को उसने शिक्षा दी है, कौन से को जो है उसने स्कूल में जो है ना खोले स्कूल खोले, एक भी ये लाके दे दो मैं ज्ञान की देवी मान लूँ। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, मैं वैसे हरियाणा से हूँ लेकिन मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, ना हमने कभी स्कूलों की लाइब्रेरी में संविधान देखा, ना सावित्री बाई फुले का नाम सुना, ठीक है, मेरे पापा ने जो है हमें जो है थोड़ा सा ऐसे रखा है कि हमें कुछ पता ही नहीं था कि ज्योतिबा फुले कौन है, सावित्री बा फुले कौन है, साहू जी महाराज कौन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कौन है, हमें नहीं पता था, बस ये था सरस्वती रखी हुई है, हमने भी कुछ ऐसे पूजा पूजा कुछ नहीं करी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हमने मैं ये मन में ये प्रश्न रहता था कि शिक्षा पर प्रिंसिपल डिप्टी डीडी डायरेक्टर नेता ये लोग सीरियसली क्यों नहीं है, ये नकल करने के लिए टीचरों को लिखने के लिए क्यों कहते हैं, गलत नंबर देने के लिए क्यों फोर्स करते हैं, ये आज भी सारी रिपोर्ट कार्ड फर्जी बन रही है, तो ये मन में प्रश्न उठते थे, इन प्रश्नों के खोज करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई।